यहाँ पे अभी अपनी चैनल आ चुकी है, अभी इसको आपको भाई सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया तो ये सब्सक्राइब नहीं होगा, देख सकते हो लॉगिन के लिए मांग रहा है। बट यहाँ पे अगर हम अपना वीडियो देख लें तो चलो कौन सा वीडियो देखेंगे, ये वाला ही देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्लैरिटी है। ओके, तो यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन तो नहीं मिलता कि आप क्लैरिटी जो उसको बढ़ा गाइस, यार मैं हूँ शांतु पटेल। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी पांच चीजें हैं जो कि मेरे को अपनी रेनो टाइगर की नहीं पसंद है। तो अभी गाइस मैं आपको और एक इसकी बढ़िया चीज दिखा दूं कि अगर आप इसको ट्राई करोगे कि मैं इसको चालू गाड़ी में देखूंगा तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे देखो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव में डाल रहा हूँ, अपना वीडियो यहाँ पे प्ले ही है, तो जैसे मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ ऑटोमेटिकली ये जो है वो बंद हो जाएगा। पर थोड़ी हमको देखो, जैसे हमने थोड़ी स्पीड गेन की ऑटोमेटिकली अपना ये जो वीडियो है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो हेलो गाइज, यार मैं हूँ शानू पटेल। तो भाई मैं अपनी गाड़ी को ऐसे पार्क करके यहाँ पे खड़ा था एंड मैंने सोचा कि चलो देख लेते यूट्यूब पर भाई क्या चल रहा है, शानू पटेल की नई वीडियो आई कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा तो मेरे पास बस एक इतना सा फोन है भाई, इसमें क्या ही मजा आएगा यूट्यूब देखने का। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपनी ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वहां पर हम यूट्यूब चला कर देखते हैं। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं कि भाई अपने पास यूट्यूब है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने भाई देखा तो भाई अपने पास यूट्यूब ही नहीं है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो में यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि हम यूट्यूब देख सके। तो जनरली भाई जो जो लोग अपना आफ्टर मार्केट इन्फोटेनमेंट सिस्टम डलवाता है एंड्रॉइड वाला, तो वहां पे तो भाई आपके पास ऑप्शन रहता कि आप यूट्यूब जो है वो चला सकते हो। बट यहाँ पे भाई आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप यूट्यूब चला सको। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना एंड्रॉइड ऑटो जो है स्टॉक वाला, ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्टॉक है मेरा, ठीक है, अपने गाड़ी के साथ जो आता है वही है। तो आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्टॉक इन्फोटेनमेंट सिस्टम में जो है आप यूट्यूब चला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को गाइस एंड तक जरूर से देखना, बस दो ही सिंपल स्टेप है, बस उसी को फॉलो करना है और आप इजीली अपना एंड्रॉइड ऑटो जो है वहां पर आप यूट्यूब चला सकते हो। तो सिंपली भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो भी फोन यहां पे देखो, ये मेरा जो फोन है वो कनेक्टेड है एंड मेरे में वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो है। तो यहां पे आपको अगर आपका वायर वाला हो, वायरलेसली हो, कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली यहां पे सर्च करना है AA स्टोर, ठीक है। AA स्टोर कर ये एक ऐप है, अभी ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी ऐप है, तो थोड़ा देख लेना। और सिंपली आपको यहां पे सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हो आपकी जो ऐप है देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अभी जैसे ये ऐप डाउनलोड हो रही है बहुत ही ईजी है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो चलो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके चलो अभी इसको होने देते हैं। ओके हो गई, देखो अभी यहाँ पे जैसे इस ऐप को ओपन करते हो आप ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे अभी और एक ऐप हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बस दो ही ऐप है और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हो कार ट्यूब, ठीक है, आपको बस ये पहली वाली जो ऐप है कार ट्यूब इसको ही सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसके अलावा भाई आपको कुछ भी नहीं करना। अभी देखो इस कार ट्यूब में आप अपना जो यूट्यूब आईडी है उसको लॉगिन भी कर सकते हो, बट मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता, आपको यहाँ पे सोर्स अलाउ करना पड़ता है, वो भी हम कर लेते हैं। चलो वो कर लिया हमने। तो अभी गाइस अपना जो है वो यहाँ पे कार ट्यूब जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करना है, सिंपली एक बार ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला तो कनेक्टेड ही था, तो अभी गाइस आपको सिंपली एक बार अपना एंड्रॉइड ऑटो जो है उसको बंद कर लेना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम बंद करके वापस से रिस्टार्ट करते हैं, अभी वापस से हम यहाँ पे कनेक्ट भी कर लेते हैं इसको। ओके, तो अभी हमारा जो फोन है गाइस वो वापस से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हमको सिंपली एंड्रॉइड ऑटो पे यहाँ पे क्लिक करना है और देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐप दिख गई है कार ट्यूब, ठीक है। अभी ये जो चीज है वो 99% सभी गाड़ियों में जो है वो वर्क करेगी जिसमें भी एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है, बट अगर शायद आपकी गाड़ी में सपोर्ट नहीं करती तो कमेंट जरूर से कर देना, तो कई लोगों को पता चले कि किन किन गाड़ियों में जो है वो नहीं चलती, बट 99% ये सभी गाड़ियों में जो है वो सपोर्ट करेगी। अभी आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और देख सकते हो अपना यूट्यूब जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो चले गाइस अभी एक बार इसमें वीडियो प्ले करके भी देखते हैं कि भाई कैसी क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलो हम अपना ही वीडियो प्ले कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरा नाम। ओके वैसे चलो टच रिस्पांस भी अच्छा है, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी अपनी चैनल आ चुकी है, अभी इसको आपको भाई सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया तो ये सब्सक्राइब नहीं होगा, देख सकते हो लॉगिन के लिए मांग रहा है। बट यहाँ पे अगर हम अपना वीडियो देख लें तो चलो कौन सा वीडियो देखेंगे, ये वाला ही देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्लैरिटी है। ओके, तो यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन तो नहीं मिलता कि आप क्लैरिटी जो उसको बढ़ा। यार मैं हूँ शांतु पटेल। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी पांच चीजें हैं जो कि मेरे को अपनी रेनो टाइगर की नहीं पसंद है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइव थिंग्स
अगर गाइस क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। बट यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जो लोग आफ्टर मार्केट जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाते हैं, एंड्रॉइड वाला जो भी डलवाते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस वीडियो को जो है वो चालू गाड़ी में भी देख सकते हो, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अच्छा नहीं है क्योंकि ड्राइवर का जो ध्यान है वो थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकता है। तभी गाइस मैं आपको और एक इसकी बढ़िया चीज दिखा दूं कि अगर आप इसको ट्राई करोगे कि मैं इसको चालू गाड़ी में देखूंगा तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे देखो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव में डाल रहा हूं, अपना वीडियो यहां पे प्ले ही है, तो जैसे मैं थोड़ा ड्राइव करता हूं ऑटोमेटिकली ये जो है वो बंद हो जाएगा। पर थोड़ी हमको देखो, जैसे हमने थोड़ी स्पीड गेन की, ऑटोमेटिकली अपना ये जो वीडियो है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो इस सेफ्टी के हिसाब से ये चीज जो है वो बहुत ही बढ़िया है कि आप चालू गाड़ी में जो है इसको नहीं प्ले कर सकते। अगर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दूं और वापस से प्ले करने की कोशिश करूं तो आप प्ले कर सकते हो, बट जैसे ही चलो देखो अभी ये वापस से यहाँ पे प्ले हो रहा है, बट जैसे हम थोड़ी स्पीड गेन करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो है वो बंद हो जाएगा। देखना, देखो ऑटोमेटिकली ये वापस से बंद भी हो चुका है। तो एज अ सेफ्टी कंसर्न ये चीज जो है वो बढ़िया है एज कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट आप जो डलवाते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि आपको चालू गाड़ी में आपको यूट्यूब वीडियो देखना चाहिए, ठीक है? अगर आप कहीं पे ऐसे ही खड़े हो तब ठीक है, बट चालू गाड़ी में तो आप वैसे भी यहाँ पे भी जो है वो देख नहीं पाओगे। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जल्दी मिलेंगे ऐसे के नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।